मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ीशान अमाचा के साथ। अमाचा जो फैमिली है वो यहाँ की रॉयल फैमिली है। यह है ज़ीशान अमाचा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। क्या ज़बरदस्त घर है माशाल्लाह। एंड हियर वी आर। सो आज रॉयल फैमिली के रॉयल दस्तरखान पे हम ट्राई करेंगे यहाँ का ट्रेडिशनल रॉयल फूड। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये है यहाँ का किचन। क्या बात है, क्या बना रही हैं जी आप? ये हमारे यहाँ का ये ट्रेडिशनल आटा है, वो बकवीट जी। तो ये शुगर ब्लड प्रेशर के लिए भी इलाज है। तो हम मेहमानों की ज़्यादातर यही बनाते हैं, हमारे घर करते हैं ना ये सब। सही। ये हमारा कुकर है जी, पत्थर के कुकर है, इसमें सालन बनते हैं। So, कितने सौ साल पुरानी है ये? काफी अरसे का होगा बेटा, हम अपने आम शुरू से लाके हैं। अच्छा, आपके खानदानी चले आ रही हैं बर्तन? बस है ये पुराने जमाने की, अभी तो आपको पता है दोनों, फिर भी हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम तकरीबन कोई 100 साल से ज्यादा, तो मुझे उम्मीद है ये होगा। सो इतने पुराने जो आज एक पॉट है उसमें बना हुआ खाना हम ट्राई करेंगे, क्या बात है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ये लकड़ियाँ जो रखी हुई हैं सामने, ये ड्राई हो जाती हैं सर्दियों में, गीली ना हो इनको यहाँ रख दिया जाता है, सूखने के बाद इन्हें जलाया जाता है, बिल्कुल, ताकि धुआं ना हो। आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हसीना हैदर है जी, मेरे ताल्लुक स्कर्दू से है और मैं शादी करके शिगर में आई। मैं अपने घर में अल्लाह के शुक्र छोटा गेस्ट हाउस खोला हुआ है, अपने देसी खाने, हमारे अपने घर का चीज़ें जो होते हैं, बाकी सब्जियाँ, घर के आटे, घर का दूध, मक्खन, हर चीज़, तो हम हमारे मेहमानों को यही खिलाते हैं, अपना सकाफती चीज़ें। अच्छा मुझे बताइएगा थोड़ा कि आप ईद के लिए कुछ खास बनाते हैं, रमज़ान में क्या होता है इफ्तारी सहरी में? इफ्तारी सहरी में जी हमारे यहाँ तो अक्सर होते हैं जो हम लोग कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं, हमदा गिरे का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी, वो इस्तेमाल करते हैं, अपने घर का देसी चीज़ें जो है, देसी अंडे होते हैं, दूध होते हैं, मक्खन होते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। इफ्तारी में मुख्तलिफ होते हैं जी हमारा, मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। आजकल तो जदीद दौर है, समोसा वगैरह, पकौड़ा, हर चीज़ बनते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल क्या होता था पुराने ज़माने में? किसर जो होते हैं वो हमारे, वो शुगर रोटी जो बनाते हैं उसमें हम लोग धनिया वगैरह डाल के, तड़का डाल के इफ्तारी में, वो होते हैं खुबानी का। अभी मैं आपके लिए तैयार किया हुआ है हमारे यहाँ का, हम लोग शरबत इफ्तारी में बहुत कम पीते हैं, ये खुबानी का शरबत है। अच्छा, और सहरी में क्या सकाफती तौर पे क्या आप लोग खाना पसंद करते हैं? ये रोटी बनाते हैं जी चूल्हे में, ये इस पर ज़्यादातर हम लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, रोटी, चाय, सालन और घी वगैरह डाल के खा लेते हैं। अच्छा, देसी घी और दही जी जी। पनीर का यहाँ रिवाज है या नहीं? पनीर नहीं है जी, पनीर का नहीं है हमारे यहाँ पे, पनीर नहीं बनते हैं, हम बनाते नहीं हैं। अभी आजकल मैं देख के थोड़ा कुछ बनाने के बाद सीख, ये आप अखरोट की चटनी के साथ खाएगा ये, क्योंकि अखरोट बहुत इलाज है, हम ये चीज़ अखरोट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, अखरोट की चटनी के साथ। शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त खाना बनाया हमारे लिए। आज की सबसे स्पेशलिटी मेन डिश पत्थर की हांडी में बनाइए सालन। ये है जी भले सूप। मेरा नहीं ख्याल मुझे इसमें कोई सोया सॉस या विनेगर या चिली सॉस डालने की ज़रूरत हो, वैसे इतना मज़ेदार है। सूप में जो मीट यूज़ किया है किस चीज़ का है? सर ये एक तो होता है आपका फार्म का जी, जी कम मीट नहीं है, ये अपने घर का जो उन्होंने अपनी पालतू जानवर होते हैं वो ज़बह करते हैं, इसीलिए आपको टेस्ट जो है ना टोटली डिफरेंट लग रहा है। ये डिफरेंट लग रहा है बिल्कुल, इसमें लोकल हर्ब्स यूज़ किए हुए हैं, उसकी एक अपना अरोमा है, फिर उसमें जो मीट जिस क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है वो लाजवाब है। तो सूप तो
फुल बेटा फुल मार्क्स। अब ट्राई करते हैं जी, ये है प्रोपू, ये प्रोपू है। इसकी सॉस किस चीज़ से बनाई है? वॉलनट का बना। अच्छा, इसमें कोई वेजिटेबल्स भी यूज़ हुई हैं? पूरे पाकिस्तान में मैंने इस तरह की पास्ता की कोई डिश नहीं ट्राई की थी। ये काइंड ऑफ पास्ता, ठीक है, और इसकी जो सॉस है वो पेस्टो की तरह की बनी हुई है, वॉलनट से नमकीन सॉस है। इसमें इन्होंने थोड़ी सी चिलीज भी इस्तेमाल की हुई हैं। और कितने मार्क्स दूँ इसको? फुल बेटा फुल मार्क्स। निशान, ये क्या चीज़ है? ये साग है। किस चीज़ का? ये घर का ही है। ये लोकल यहाँ पर कोई जो आपकी सर्दियों में अम्मी जो है ये ग्रीन हाउस लगाती है ना, वहाँ पे हम ये चीज़ें सारी वेजिटेबल वहीं से लेते हैं। अच्छा, ये सारी वेजिटेबल्स भी घर की हैं? घर की है। अभी ग्रीन हाउस लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मियों में तो सारी सब्जी वैसे निकल जाती है, लेकिन सर्दियों के लिए हम ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं। इस बाहर ही लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। साग को भी ट्राई करते हैं जी, जो स्पेशल यहाँ की खमीर से बनी रोटी है। मैं इसके साथ ये साग ट्राई करने वाला हूँ। मक्खन के साथ ये बना है, मक्खन के साथ इसका मज़ा इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो अरोमा है इसका, ये रोटी दिखने में लग रही थी बहुत ही थिक है, लेकिन ये फ्लफी सी ब्रेड है, खुली बिल्कुल हल्की लाइट वेट। ये साग जो है ये भी कोई लोकल ही जड़ी बूटी है, जो इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया। हमारे एरिया में एक साग होता है, हम उसे सोंचल बोलते हैं। ये नहीं पता ये वो साग है कोई और, बहरहाल बहुत मज़ेदार है। ये अखरोट से बनी चटनी है और इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ केसीर के साथ। अच्छा, ये बकवीट केसीर है। मैंने ताज़े नारियल की चटनी खाई थी और मैं समझता था ताज़े नारियल की चटनी की टक्कर पर कोई चीज़ नहीं होगी। आज मिल गया जनाब एक ऐसी डिश, ये जो वॉलनट की चटनी है लाजवाब है, और इस ताज़ी बनी केसीर के साथ तो इसका ऐसा जोड़ है कि कोई चीज़ इन्हें हरा नहीं सकती। थैंक यू सो मच इमरान भाई। इमरान भाई हमें गाइड कर रहे हैं इस एरिया में और बहुत अच्छे से ये इस एरिया को जानते हैं, रोड से वाकफियत है इनकी। चलें जनाब, आज का ये जो स्पेशल फूड है वो ट्राई करते हैं। अच्छा, शायद इसे पके हुए भी, अब जैसे हमने ये सारा प्रोसेस किया, तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा है और अभी तक ये दो दिन तक गर्म रहता। खाना दो दिन तक गर्म रहेगा, क्या बात है भाई। नेचुरल वाला हॉट पॉट, घर के ताज़ा पिसे मसाले, घर की सब्ज़ी और अपने पालतू जानवर का गोश्त, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बहुत ज़ायकेदार लाजवाब गोश्त जो है वो प्रॉपर गला हुआ है। अच्छा, इसमें खाने में बहुत मिर्च मसाला नहीं है। यहाँ आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि शायद सिंपल खाना होगा। सिंपल तो है ये, लेकिन जितना हेल्दी ये खाना है मैंने इतना नहीं सोचा था। फाइनल जो मैं ट्राई करने वाला हूँ, जिशान आप मुझे हेल्प करें और मुझे बताएं ये कैसे खाएंगे हम इसे। ये इसी तरह खाते हैं, इसी के अंदर हाथ से थोड़ा सा बताएं जी कैसे। इसे कैसे खाएंगे? नवाला बनाया छोटा सा, उसे डिप किया एप्रिकॉट ऑयल में, और इसका दूसरा तरीका ये, इसको क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्क्यू। स्क्यू सर का बना के, और स्क्यू को हमारी ज़ुबान में बुरकी बोलते हैं। अच्छा जी, ये जो करी सालन बना हुआ है यहाँ पर, इसके साथ मैंने रोटी के साथ इसे खाया था। अब इसमें मैं फुरफुर को ट्राई करने जा रहा हूँ। फुरफुर ये खुद से ये नूडल्स बनाते हैं, उसे ड्राई करते हैं, रखते हैं घर में। आज हसीना साहिबा ने स्पेशली इन्हीं नूडल्स का पुलाव बनाया हमारे लिए, तो हम इसे ट्राई करने जा रहे हैं इसी करी के साथ। सच्ची बात यह है, जो सालन बना है ना, इसका जवाब नहीं जाते हुए मैं थोड़ा सा साथ लेके जाऊंगा। कराची नहीं ला रहा। किसी तरह फील नहीं हो रहा कि ये चावल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मैं चावल
का जो पुलाव है वो ट्राई कर रहा हूँ सालन के साथ, सुपर से भी ऊपर। ये ग्रीन हाउस है हसीना साहिबा के घर के साथ ही जगह पे बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल जो वेजिटेबल हैं वो उगाई हैं इन्होंने। यहाँ पर पालक नज़र आ रही है, यहाँ पर लोकल जो साग है वो है, रॉकेट पीस नज़र आ रहे हैं, लहसुन है, प्याज हैं। उसके अलावा यहाँ पर दरख्तों पे मुझे शहद की मक्खियों के जो हैं वो छत्ते नज़र आए हैं, वो लोकल जो शहद है ये लोग उसी शहद का इस्तेमाल करते हैं। क्या ज़बरदस्ती जगह है, क्या आलीशान। लंच करने के बाद अब टाइम है यहाँ की स्पेशल माउंटेन टी का। हसीना साहिबा ये इस टी का नाम बताएं मुझे। इसका कावा कहते हैं जी। कावा कौन सा? कावा तुम्बुरुक है, इसमें गुलाब के फूल है, अच्छा जी पुदीना है, मिक्स जड़ी बूटी है। क्या बात है, हर चीज़ स्पेशल। और अमाचा गेस्ट हाउस के नाम से है, ज़िशान का पेज है, आपको स्क्रीन पे भी नाम नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप आते हैं शिगर में और यहाँ पर आप ट्रेडिशनल खाना ट्राई करना चाहते हैं और कुछ देखना चाहते हैं ट्रेडिशनल रियल में है क्या, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए इन्हें, विज़िट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको यहाँ का विज़िट। चाय ट्राई करते हैं जी। अच्छा इस चाय में चीनी नहीं है? चीनी नहीं है जी, चीनी भी है इधर, गुड़ भी है। अच्छा ये पुदीना आपने इसमें डाल दिया, ताज़ा ये आपके बाग का? जी जी, ये कुलचा है, ये हमारे यहाँ बनते हैं, हम लोग चाय के साथ बिस्किट समझ लें। कुलचा हमने ऑलरेडी ट्राई किया अभी तक। अच्छा ये कुलचा आपने खुद बनाया या बाजार से? ये खुद बनाते हैं जी। कोई चीज़ तो हो जो मैं कहूँ कि बाजार से ली हो, हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने खुद इतने करते हैं। हम अपने घर में बनाते हैं, जो बना सकती हूँ बस घर में ही बनाती हूँ। मैं तमाम व्यूअर्स को बताऊँगा खाने में जो बनाने वाले की चाहत है ना वो उस खाने के मज़े को और ज़्यादा करती है, दुगना करती है, चार गुना करती है। ट्राई करते हैं यहाँ की चाय। पुदीने का मज़ा, इसमें अदरक का स्वाद, साथ जो तुमरुक कावा है उसका अपना एक लाजवाब जायका, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम के लिए, इतना आपने कम वक्त में इतना कुछ बनाया, आप लोग का बहुत भी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया से हमारे पास बस हमारे खाने खाने के लिए, तो आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतनी दूर से आपके खाने की तारीफ खींच के लाई है जो हमने तमाम व्यूअर्स से शेयर की है। और मुझे उम्मीद है मेरे देखने वाले सुनने वाले ज़रूर आपको विज़िट करेंगे, आपका खाना ट्राई करेंगे और मुझे भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी अब शुगर की कुछ सैर करवाते हैं आपको, आपको दिखाते हैं शुगर, ये खूबसूरत शहर कितना खूबसूरत है।